नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। नागपुर नगर पंचायत कुंडाली में स्थित मूलभूत सुविधाओं से वंचित। अंबिका नगर दंडाले लेआउट के बाशिंदे। काटोल कुंडाली नागपुर जिले की बहुचर्चित नगर पंचायत कुंडाली इन दोनों चर्चा का विषय बनी हुई है। नगर पंचायत कुंडाली में स्थित अंबिका नगर दंडाले लेआउट, जिसका विगत 26 वर्षों से निर्माण हुआ है, विगत 26 वर्षों से इस दंडाले लेआउट अंबिका नगर के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमारे संवाददाता सुरेश रागले ने कुछ लोगों से चर्चा की तो परेशान वार्ड वासियों ने बताया कि 26 वर्षों के इस लंबे अंतराल के बाद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ ना तो पक्की नालियाँ और सड़क बनी हुई है और न ही किसी भी प्रकार के साफ सफाई की व्यवस्था है। बिजली के खंभे तो लगे हुए हैं, परंतु उन पर लाइट का नामोनिशान नहीं है। चारों तरफ अंधेरे का साम्राज्य है। गंदगी का आलम यह है कि बदबूदार सड़ांद मारता हुआ गंदा पानी, मक्खी मच्छर बैक्टीरिया तथा जहरीले जीव जंतु इनका यहाँ निवास स्थान बन चुका है। उल्लेखनीय है कि इस लेआउट का प्रबंधन नगर पंचायत कुंडाली के द्वारा किया जा रहा है, परंतु आज तक भी नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नियमानुसार यहाँ के बासिंदों से नल जल, समेकित कर, संपत्ति कर, शिक्षा कर, सारे कर वसूल किए जा रहे हैं, परंतु सुविधा के नाम पर यहाँ का कार्यकाल एकदम शून्य साबित हो रहा है। वार्ड वासियों ने इस संबंध में अपनी शिकायत करते हुए बताया कि इस कॉलोनी को बने हुए 26 वर्ष हो चुके हैं, शासन के निर्देशानुसार आवश्यक टैक्स वसूली हमसे की जा रही है, लेकिन यहाँ पर पेयजल सहित बिजली पानी सड़क तथा विद्युत व्यवस्था की कमी बनी हुई है, जिससे यहाँ के बाशिंदे गंदगी के आलम में अंधेरे में रहने के लिए मजबूर है। कुछ लोगों ने अपनी समस्या बताते हुए बताया कि संबंधित जिम्मेदार अधिकारी तथा नगर पंचायत कुंडाली के जनप्रतिनिधि उदासीन बैठे हुए हैं। हमारी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। शासन के उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि तत्काल हमारी समस्याओं का समाधान कर हमें राहत प्रदान करें। नगर पंचायत की लापरवाही भी सामने आ रही है। इस संबंध में हमने जब नगर पंचायत के अधिकारियों से जानना चाहा, लेकिन कोई चर्चा नहीं हो पाई है। समाचार लिखे जाने तक यहाँ के बाशिंदे मूलभूत सुविधाओं का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। उनकी समस्याओं का समाधान कब होगा, ये यक्ष प्रश्न भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। मूलभूत सुविधाओं का निदान कब होगा, यह एक शोध का विषय है। काटोल तहसील रिपोर्टर सुरेश अड़गड़े की रिपोर्ट। सांगा तुमच्या समस्या। सांगा ना। हे रोड नाल्याचे आहे का नाही, हे ते जवळजवळ 24-25 वर्षापासून मला एवढा त्रास आहे बाकीच्यापेक्षा। खड्डे खुड्डे नाल्या नुल्या दरवर्षी चालू आहे, फक्त एक वर्ष झाला तर थोडंसं हे रोड केला म्हणून, नाही तर हे काहीच नाही। नाही तर एवढा त्रास दिला आहे ग्रामपंचायतीने, विचार सोडून आम्हाला पाणीसुद्धा दिलं नाही। नंबर सांगतो ग्रामपंचायतीनं, बरं का साहेब? नळसुद्धा दिलं नाही। आम्ही स्वतः 10-15 लोकानं 1-1.5 हजार रुपये केले, 45,000 रुपये भरत आला, नळ दिला आणि पुन्हा हे लाईट आहे तर आम्ही स्वतःच्या ह्यानंच केलेलं आहे। ग्रामपंचायतीचा एकही संबंध नाही आम्हाला याच्यात। आता सध्या टॅक्स घेते का नगरपंचायत? नगरपंचायत टॅक्स किती आहे? टॅक्स घेते का? टॅक्स घ्यायला बरोबर येते का? टॅक्स घ्यायला बरोबर येते का? टॅक्स पाण्याचे पैसे मस्त, पाण्याचे पैसे बाबाजी मी तर मस्त वाढून दिले, 750-1500 केले। टॅक्स होता 10,000 आपला 1,000 रुपये, तर 2100 रुपये 2,000 रुपये घराचा टॅक्स केला आहे। आणि थकीत नाही काही नाही, अजून मी अजून सांगतो तुम्हाला, थकीत नाही 1 रुपये मी। एवढं असून सिने आमच्यावर समस्याच नाही, येते पाहिजेत। हो हो हो, असे करतो तुम्ही तुम्ही आता माझ्या घरात पूर्ण पार्क असून चिकलत आहे, इकडे जे साईडला चिकलत आहे आणि मदत नाही। हे 25 वर्ष होत नाही सर। फोन नंबर का माझा सर, माझा 94-0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 4-
मला जास्त त्रास झाला लागंतय या नळवाल्याने याने खड्डे खोदू खोदू एवढे खोदू खोदू माझ्या घरासमोर चिखलचे चिखले न तोडतं हे करतं ते कर असे त्याने त्रास दिला मला. नंबर सांगा. बोला सांगा आता काय समस्या तुमच्या. दवाखाना किती वर्षापासूनचा चालू बांधून ठेवलेला आहे पण अजूनही चालू झालेला नाही आहे. किचडमध्ये जाता जाताना खूप आम्हाला प्रॉब्लेम होतो. त्यानंतर पुन्हा एक सडकसुद्धा पाहिजे, एक हँड पंप पाहिजे तितक्या, अशा पुष्कळ साऱ्या समस्या. आमच्या अंबिकाले आऊटमध्ये एकही सुद्धा नाली झालेली नाही आहे. 25 वर्ष जुने लेवढे 26 वर्ष झालेले आहे परंतु अजूनही एकही नाली झालेली नाही. नगरपंचायतचं लक्ष ना ग्रामपंचायतचं लक्ष 25 वर्ष लक्ष चला ना आता वरतच दाखवून देतो तमाशा. दूषित पाणी काय करमोकर झाले म्हणजे काय मोठी आपत तिकडे. या ठिकाणी लाईटिंगची बी अरेंजमेंट करण्यात आली पाहिजे मोठ्या पाटील बाईला अंदर मी या रोड मधून सुद्धा नेलेला आहे. मधात मग तो प्रोग्राम तयार झाला आपला तीन आपला नगरपंचायतचा. आणि या आबादीवाले हा सामान लागते लागते लेआउट के अंदर. रोड चाहिए, पोल चाहिए, लाईट चाहिए, गार्डन चाहिए. ये लेआउट कितने साल से बना है? बकऱ्या आता नगर पंचायत झाली काही सुविधा मिळाली का इकडे? नाही.